नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है राजस्थान के नंबर वन यूट्यूब चैनल स्टडी हॉटस्पॉट में। तो नई वैकेंसी अपडेट आ गई है, जिसके अंदर युवाओं के लिए एक और नई बड़ी वैकेंसी होने वाली है। तो आपको बता दें कि जो डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए निकली नई भर्ती, तो ये जो वैकेंसी है वह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए नई इंजीनियर्स के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आप जो युवा हैं बस पास ही सरकारी नौकरी पाने का इच्छुक मौका पा सकते हैं। और इसमें NTPC ने आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in और ntpccareers.net पर इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन करने की जो इसमें करना चाहते हैं संबंधित जो इसके एज लिमिट और जो शिक्षा संबंधित नोटिस है वो इसको ध्यान से पढ़ लें। तो इसके अंदर जो ज़रूरी तारीख होने वाली है वह आपको बता देता हूँ मैं। जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 12 दिसंबर रहेगी, और पहले चरण की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड है वह दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में आ सकते हैं। और पहले चरण की जो परीक्षा है उसके एडमिट कार्ड है वह जनवरी 2021 के पहले सप्ताह में आ सकते हैं। तो और दूसरे चरण के लिए एडमिट कार्ड जो है वह भी आ सकते हैं जनवरी में। और इसमें जो आपको बता दूँ कुल टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, तो इसमें माइनिंग के लिए 40 पोस्ट रहेगी, और मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट रहेगी, और इलेक्ट्रिकल के लिए 10 पोस्ट रहेगी, और माइन सर्वे के लिए 8 पोस्ट रहेगी। तो इसके अंदर आप अपने जो एडमिट कार्ड है वह जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वह किस आधार पर होगा, तो दो चरणों में ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको दिया जाएगा। उसे संबंधित विषय में आप फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन कर सकते हैं। इसमें 12 दिसंबर 2020 तक आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आरक्षित वर्गों के लिए इसमें अधिकतम छूट भी दी जा सकती है। तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यदि पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे न्यूज़ और वैकेंसी अपडेट के लिए हमेशा अपडेट देता रहूँगा आपको। तो थैंक यू, जय हिंद।